बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू यूनिक फूड किचन। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यकीनन आपको इंतज़ार तो नहीं होगा समोसा पट्टी पार्ट टू का। अगर होता तो आप लोग ज़रूर पूछते कि भाई पार्ट टू का बार है। लेकिन चलें, अगर आपको इंतज़ार नहीं है लेकिन फिर भी मैं पार्ट टू समोसा पट्टी का ले आई हूँ। और चिकन समोसा बनाएंगे इस दफ़ा। पिछली दफ़ा आलू समोसा था और वो कैसे बनता है वो बनाना बताया था आपको। इस दफ़ा जो समोसा पट्टी हम बाज़ार से लाते हैं वो पट्टी आपको बनाना बताएंगे, और उस समोसे की फिलिंग कैसे होती है वो बनाना बताएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आटा सेम ही गूंदना है जैसे समोसा पार्ट वन में गूंदा था। सेम इंग्रेडिएंट्स और सेम क्वांटिटी लेके आटा गूंद लेना है। और जो फिलिंग बनाई थी हमने वो सिर्फ आलू की थी। तो आलू में चिकन नहीं डाला था, इसमें हमने चिकन डाला है, बाकी इंग्रेडिएंट्स वही हैं। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि समोसा पट्टी कैसे बनेंगी। फिलिंग हमने बना ली है, ये ठंडी हो जाएगी जब तक हमारी समोसा पट्टी बनती है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले आटे के जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। आटा बहुत सख्त गूंदा होता है ये, और इससे ही फिर आपकी जो समोसा पट्टी है वो अच्छी बनेगी। इस तरह से नॉर्मल साइज़ के, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने। और जिस तरह उसमें दूसरी रेसिपी में पार्ट वन में हमने बॉल्स बनाए थे, सेम उसी साइज़ का बॉल बनाएंगे, और यानी कि मैदे के पेड़े बना लेंगे। और बारी बारी ये सारे पेड़े बना लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये रमज़ान की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल। लेकिन अगर अभी आप बनाएंगे तो रमज़ान में फिर मुश्किल नहीं होगी रेसिपी ढूंढने में। आपको पता होगा कि यहाँ रेसिपी पड़ी हुई है और वहीं से देख के आप बना लेंगे। आम दिनों में भी फ्रीज़र में रखे हों तो मेहमान आ जाएं तो आप इजीली निकालें और उनको फ्राई करें और मेहमानों को पेश करें जी। सबसे पहले तो बॉल्स बन गए, ये 2 कप मैदे में 15 बॉल्स बने, और 15 बॉल्स में हमारे बनेंगे 30 समोसे। एक रोटी में 2 मतलब समोसे निकलते हैं। तो पहले तो हमने इसको हाफ बेलना है, इतनी इतनी सी ये रोटी बेलेंगे और साइड पे करते जाएंगे। पहले ये स्टेप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको बताएंगे कि क्या करना है। ये देखें जी, हाफ हाफ रोटी हमने बेल ली है। अभी नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि ये 5 मिनट नहीं लगे और मैंने ये 15 रोटियां बेल ली हैं। और अभी एक एक रोटी को लेंगे ऐसे, थोड़ा सा खुश्का डाल लेंगे और कुकिंग ऑयल ले लें या फिर घी, उससे आपने घी ब्रश से लगा लेना। और एक रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इसको साइड पे करेंगे। ये आप 2-2 जोड़ सकते हैं, 3-3 जोड़ सकते हैं, जैसे भी आप इजी लगे। वैसे 2 जुड़ी हुई आपको इजी, नए सीखने वालों के लिए 2 ही आप जोड़ के बेलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ये देखें जी, ये मैंने 3 रोटियां जोड़ी हैं सेम तरीके से। घी लगा के एक रखी है, फिर घी लगा के दूसरी रखी है। इसी तरह से बारी बारी सबको कर लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं जी। ये देखें, सारी रोटियों में मैंने घी लगा के इनको डबल कर लिया। अब इसको बेलेंगे। मुश्किल लगाएंगे और इसको साइड पे फिर एक और बेल लेंगे। ये ले जी, एक रोटी और मैंने बेल लिया। अब इन दोनों को पका के और खोल के बताते हैं कि ये दोनों पकने के बाद इनको अलग अलग खोलेंगे कैसे और फिर पट्टी कैसे काटेंगे समोसा पट्टी। बस इसको इतना ही पकाना है कि एक तरफ से ऐसे थोड़ी पक जाए तो फिर दूसरी साइड से। मुकम्मल रोटी जैसे पकाते हैं वैसे नहीं बनानी। ये देखें, एक साइड पक गई है। आप इसको
दूसरी साइड से कर लेंगे। बस इसको दूसरी साइड से इतना ही पकाना है, ये ऐसे बस इसको हम उतार लेंगे। ये देखें जी, ये जो मैंने तीन रोटियां जोड़ी थी उनको खोल के बताऊंगी आपको। थोड़े थोड़े किनारे फट जाते हैं क्योंकि ये बहुत पतली बेली होती है। ये जब कटिंग होगी तो नीट हो जाएगी, एक और दूसरी। ये देखें जादू, ये देखें बीच वाली को एक दफ़ा मैं ज़रा तवे से फिर घुमाऊंगी। ये बीच वाली है, ऐसे ही रख लें तो कोई भी मसला नहीं है। ये देखें जी, हमारी समोसा पट्टी की रोटियां रेडी हो गई हैं जी। ये देखें बिल्कुल दरमियान में से रोटियों को पहले ऐसे काट लेंगे। सारी आपने देख लेने की कट गई हैं। इसको उठा के इसके ऊपर रख लेंगे, इस साइड से इसको काटेंगे जो रफ एरिया। ये कटे हुए की आप पापड़ी बना सकते हैं और चाट पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि ये कटा हुआ जो है वो पापड़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रोल पट्टी रेडी होगी, समोसा पट्टी रेडी होगी। अब इसकी फिलिंग करके बताएंगे। ये तो होगी समोसा पट्टी, इसको करते हैं साइड पे और इसको आप फ्राई करें और चाट में यूज़ करें। मैं अभी बता भी देती हूँ ये कितना साइज़ है। ये मैंने रोल पट्टी के लिए बना के रखा हुआ, तो इसके इस साइड से कटिंग कर लेंगे पहले। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर करेंगे। ये देखेंगे समोसे की फिलिंग करेंगे। समोसे की फिलिंग कैसे करनी है, ये कोना ऐसे मोड़ेंगे, इसको यूं करेंगे, यूं करेंगे तो ये एक पॉकेट सा बन जाएगा। इसके अंदर फिलिंग डालेंगे मुनासिब। ये फिलिंग डाल दी हमने, ये मैदे से ही मैंने गोल सा बना के रखा हुआ लई सी, ये लगाएंगे ऐसे लगा के और इसको यूं बंद करेंगे। इसका कोना यूं बंद करेंगे और ये समोसा पट्टी वाला समोसा रेडी हो गया। एक और आपके सामने बनाती हूँ और एक रोल आपको बना के दिखाती हूँ। मैदा की जो लेई सी बनाई है उसे हम फिर ऐसे बंद करेंगे और ये देखिए जी, बाज़ार से लाने से बेहतर है आप घर पे बनाएं, घर वाली चीज़ें बच्चों को खिलाएं और हेल्दी भी होती हैं और ये भी पता होता है कि हमने क्या डाला हुआ है इसमें। ये जी रोल की पट्टी है, रोल की फिलिंग वैसे दूसरी होती है, वो वेजिटेबल और चिकन की और नूडल्स होते हैं उसमें जो स्प्रिंग रोल होते हैं, वो इंशाल्लाह आपको रेसिपी देंगे। ये सिर्फ मैं आपको पैक करना बता रही हूँ कि कैसे पैक होगा। ये आपने फिलिंग डाली, साइडों से थोड़ा मोड़ेंगे और इसको यूं करके टाइट सा बंद कर लेंगे। ये आपका रोल रेडी हो गया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे समोसा पट्टी से समोसा फिलिंग हो चुकी है, ये सारे समोसे बन गए।
इनको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रोल भी, ये देख सकते हैं आप, इतने अच्छे से रोल मैंने बनाए हैं। इनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप एक खुली ट्रे लेंगे और उसमें एक एक समोसा रख के उसको फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने के बाद जब, मतलब रात को आप रख देंगे और सुबह निकाल लें, फिर एक डब्बा लें और उसमें आप ये फ्रीज़ हुए हुए समोसे रख देंगे। इससे ये होगा कि वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। अगर आप इस तरह से रख देंगे डब्बे में डाल के, वो जुड़ जाएंगे, जब आप निकालेंगे तो वो टूटेंगे, तो वो उनकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी, फिर आप परेशान होंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल के आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको मेरी नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखें, फिर मिलेंगे एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।